कौसर फसल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرتكم على الحوض واجب الاحترام। سامعین و محترم, हर किस्म की हमद ओ सना उस अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम वास्ते जो पूरी कायनात दा खालिक ओ मालिक है, जो इन अल्लाह अला कुल्ली शई इन कदीर है, फ़ालिमा युरीद है, नाहनो अकरबु इलैही मिन हबलिल वरीद है, जो मालिक अजल तो कल्ला अब तक कल्ला रहेगा और कल क़यामत दे दिन उस कल्ले वाहिदुल कहार दी बादशाहत होगी। अलहिंत ला तादाद दरुदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया आमिना दिलाल पैकरो हुस्नो जमाल साहबे शर्फो कमाल सारी कायनात दे सरदार जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम दी जाते तैयबात होन। हजरात, मैं अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर कुरान मजीद दी बिल्कुल मुख्तसर सूरत तुहाडे सामने पढ़ी है, जो आयात और अल्फाज दे हवाले दे नाल बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन मानी और मफहूम दे कि मैखरा हवाले दे नाल बहुत बड़ी सूरत है। जुम्मे तो पहला दा काम है, तो जुम्मे दे विच लग पे ने शुरू कर मानी और मफहूम दे इतबार दे नाल बड़ी आला और अजमत वाली सूरत है। नबी पाक, ठीक है करी साहब इतने रहने दो, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम मक्का मुअज्जमा दे अंदर नबूवत का ऐलान फरमाया,
और 23 साल नबूवत दा दौर मेरे महबूब पैगंबर दा, 13 साल मक्की दौर और 10 साल तुसी ते बोलो यार 10 साल मदनी दौर मेरे मुस्तफा अली सलातो व सलाम दे उते अल्लाह ने जरूरत दे वक्त कुरान मजीद नाजल फरमाया। जिस जगह ते जरूरत पेश आई अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर ते कुरान मजीद नू बवक्ते जरूरत नाजल फरमाया। मुशरिकीन मक्का हुजूर अलैहि सलातो व सलाम नू क्या कर दे, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू अपने कोलों गल्ला बनाना, अपने कोलों शायर बना के, अपने कोलों कलाम बना के, ते सानू आना कि मैं रब दा नबी हां ते मेरे ते आसमान तो वही नादल हुंदी है। मेरे रब ने इन्हां नू कुरआने मजीद अंदर 3 चैलेंज दिते ने, किन्ने 3 चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिते। फरमाया पहली बात ये समझो कि मेरे मुस्तफा अली सलाम नू अल्लाह ने इन्हां दी नस्ल विचों पैदा कीता, अरब विचों पैदा कीता, तुहाडे कबीले चों खानदान चों पैदा कीता। मेरा मुहम्मद करीम दुनिया के किसे मदरसे विच पढ़िया, किसे कोलों सिखिया नहीं, ते जे ये बना लैंदा ते तुसी भी फिर इहदे वर्गा कलाम बना के लियाओ। हालांकि मक्के अंदर बड़े बड़े शायर मौजूद सन, लबीद एक ऐसा शायर इन्हां दा पैदा होया जेड़ा इतना बड़ा शायर है कि इहदे मुतालिक अरब अंदर मारूफ सी कि जेड़ा कलमा इहदी जबान चो निकले उहनूं जाया ना होण दिओ, इतना बड़ा शायर। और लिखण वाले लिखिया हत्ता के अगर तुहाडे कोल स्याही मौजूद नहीं लिखण वाली ते अपनी गर्दन दी राग मार के खून निकाल के यानी फिर भी इहदे कलाम नू लिखो, इतना बड़ा शायर। अल्लाह ने फरमाया एडे वड्डे शायर तुहाडे अंदर मौजूद ने पर कुरान वर्गी किताब लिया सकदे। दूसरा शायर सहबान बिन वायले का नाम है, ये वह शायर है कि इन्हें अपनी जिंदगी अंदर जेड़ा कलाम एक बारी अपनी जबान चो बोलिया दूसरी मरतबा बोलिया ही, यानी इतनी अल्फाजी इस बंदे को मौजूद सी, जेड़ा लफज एक बारी बोलिया दूसरी बारी उदे तो बदल के बोलिया उस लफज नू दोबारा बोलिया नहीं, इतने इतने बड़े शायर। ते अल्लाह ने फरमाया मुहम्मद अलैहि सलाम भी तुहाडे विचों ही है, तुहाडे विचों ही अल्लाह ने इन्हू पैदा फरमाया। और मेरे रब ने ना इन्हां नू चैलेंज दिता है, कुरान मजीद का पारा 15वां ते सूरह बनी इसराइल पहला चैलेंज जेड़ा रब्बुल आलमीन ने दिता है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलान फरमा दियो, फरमाया कुल इन जतमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातु बिमिस्ल हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़ईरा। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने तुसी सारे जिन ते इंसान जमा हो जाओ, जिन ते इंसान जमा हो गए मेरे महबूब जी इन्हां नू कह दियो अगर जिन ते इंसान सारे जमा हो गए मैं ते कल्ला वां ना ते मेरे दे वही ना गल हुंदी है, मैं कहिंदा आसमान तो मेरे दे वही दा नज़ूल हुंदा है, ते
मेरे ते आसमान तो वहीदा नज़ूल हुंदा है ते तुसी सारे मिलके इस किताब वर्गी कोई किताब लेके आओ। अल्लाह फरमांदे ने ला यातून बिमिसले ही, तुसी सारे जिन इंसान मिलके इस किताब वर्गी दूजी किताब बना ही नहीं सकते। पहला चैलेंज रब ने किया। नंबर दो, अल्लाह सुब्हान जलाल फरमांदे ने कुराने मजीद दा पारा 11वां, अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो, फरमाया अम यकूलून अफ्तराहु, अम यकूलून अफ्तराहु, कुल फातू बिसूरतिन अल्लाह सुजलाल ने एते इन्हानु दूसरा चैलेंज दिता है। अल्लाह फरमांदे ने कुरान वर्जी एक सूरत दी ले आगे विखाओ। एक मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने बे आशरे सुवारिन, दस सूरत इस कुरान वर्गियां बना के दिखाओ। और एक मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने वा इन कुल तुम फी रही बिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरत मिन मिसलिही वादो शुहदा अगुम मिन दूनिल्लाह इन कुल तुम सादिकी। अल्लाह फरमांदे ने ओए जेड़ा कुरान असा अपने महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नादल फरमाया, अपने बंदे दे नादल फरमाया, एदे बारे शक कर दियो। अल्लाह फरमांदे ने इंज करो ना, इस किताब वर्गी एदी एक सूरत वर्गी एक सूरत लिया के दिखाओ। अल्लाह फरमांदे ने फा इलम तफालू वलन तफालू, ओए अगर तुसी कुरान दा मुकाबला करना चाहो ते हरगिज कुरान दा मुकाबला कर सकदे मुकाबला नहीं कर सकदे। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब दे शायर अपना अपना कलाम लिख के बैतुल्ला दी दीवार ना इनू लटका दिया कर दे। ते मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो जी अल्लाह दे नबी जी, फरमाया इंज करो ना कुराने मजीद दी एक छोटी जी सूरत वरके ते लिख लवो। सोने केड़ी सूरत लिखिए, मेरे आका फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बी का वनहर इन्ना शानी आका वल अबतर। ऐ सूरत कुराने मजीद वर्गे दे लिख दिती गई है। इंज बैतुल्ला दे जनाब नाल इनू भी टंग दिता गया। बड़े बड़े शायर आ रहे ने, इनू दूसरे शायरां दा कलाम भी पढ़ते ने, लोगों का कलाम लिखिया पढ़ते ने। ते जदों इत्थे आउंदे ना इस सूरत ते नजर पैंदी है, खामोश हो जांदे ने, चुप कर जांदे ने, बोलन जोगे रहिंदे ही नहीं। ते एक दिन ना लबीद आया जेड़ा शायरां दा बाप जिन्हों समझिया जांदा सी, जिदे बारे बोलिया जांदा सी, इहदी जबान चो निकला कलमा जाया ना करिया करो। ए आगे इन्हां आयतां नूं पढ़दा इन्ना आतैना कल कौसर, ए आयतां पढ़िया ना इन्हां दे मानी मफहूम नूं समझिया, क्योंकि है अरबी दा अरब दे रहण वाले सन, समझण वाले सन तर्जमे मानी मफहूम नूं। ते पढ़ के आंदा ए तू नी बिकरतासिन, ओए कापी पेंसिल लैके आओ मैं इहदा जवाब लिखा, इहदे बारे मैं तुहानू जवाब दिया। लोगां ने समझिया लबी दे हुण इन्हां आयतां दा इन इस कलाम दा कोई जवाब देवेगा। ते पता की लिखदा, कापी पेंसिल पकड़िए ते आंदा वल्ला
वल्लाही माहाजा कलामुल बशर। ओ लोगो अल्लाह दी कसम इस कलाम नू मैं बड़े गौर ना पढ़िया, बड़ा इनू समझ के पढ़िया, ते मैं कहना अल्लाह दी कसम एक कलाम किसे शायर दा हो सकदा ही नहीं, किसे बशर दा एक कलाम नहीं हो सकता। ओ वाकई मुहम्मद सच्चा है, बोलो मुहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एदे ते वाकई आसमान तो कुरान नाज़िल हुंदा है। लोगो ए सूरत है ऐत दे ऐतां दे एतबार ना छोटी है, पढ़न दे एतबार ना अल्फाज दे एतबार ना छोटी है, पर एदा मानी मफहूम बड़ा वड्डा। क्यों? अल्लाह फरमांदे ने आतैना कल कौसर। ए मेरे महबूब सोने, असा तुहानू कौसर अता कर दिता है। मुफसरीन ने ना ये बड़े मानी कीते ने, कौसर तो मुराद खैरे कसीर, कसीर यानी बहुत ज्यादा, कौसर कसीर विचो निकलिया। ए एक हिस्सा खैरे कसीर दा इमामे कुर्तबी सबक और रहमतुल्ला है, उन्होंने ना एदियां 16 तफसीरां कीतियां ने। मैं इंशाअल्लाह अपने मजमून के मुताबिक एक दो तुहाडे सामने पेश करांगा। खैरे कसीर दे विचों कौसर निकलिया। पहली एदी तफसीर है वे अल्लाह ने अपने महबूब नूं हौदे कौसर अता कर दिता है। दुआ करो सा जरा, अल्लाह क्यामत दे दिन अपने महबूब दे हथों हौदे कौसर नसीब फरमा। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये आता ये सूरत नाज़िल कदों हुई है? मेरे ते तुहाडे महबूब अली सलाम नो अल्लाह ने 4 बेटियां ते 3 बेटे अता फरमाए ने। सैयदा मां जी खदीजा रजी अल्लाहु तआला अनहा दे बतने अतहर दे विचों अल्लाह ने मेरे नबी नू 4 बेटियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अनहुन्ना अल्लाह ने अपने महबूब नु अता फरमाया। और 3 बेटे रब ने अपने पैगंबर नु दिते, 2 सैयदा फातिमा दे बतन दे विचों, 1 बेटा जनाबे इब्राहिम मारिया किबतिया दे बतने अतहर दे विचों। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सब तो बड़ा बेटा हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अनु, जिन्ना दी वजह तो मेरे पैगंबर नू अबुल कासिम के आ जांदा है। ए भी जनाब बचपन अंदर फौत हो जांदे ने, ते मेरे पाक पैगंबर नू अल्लाह ने दूसरा बेटा अता फरमाया जिन्ना दा नाम अब्दुल्ला। इन्हां नू तैयब ते ताहिर भी कहा जांदा है। ए रब दियां मर्जियां ओ लैम ते आए ते बचपन विच ही लै जाए, जे खड़म ते आए ते जवानियां विच ही लै जाए। ए वक्त रब ने किसे नूं नहीं दसिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए जे खड़म ते हुंदा ते 2 भरा सके ने ते दोवां नूं कट्ठे ही लै जांदा। आ पिछले हफ्ते साढ़े करीब 17 2 भरा कट्ठे सऊदीया तो आए ने, डसके गए ने ते दुआ दा इकट्ठा एक्सीडेंट होया, नौजवान ने कट्ठी फौत हो गए। ये मर्जियां किदियां ने? अल्लाह दियां। मेरे पाक पैगंबर सलाम दा बेटा अब्दुल्ला फौत होया ना, ते मक्के वालियां ने अबुल आस इन आस बिन वायल इन्हां दा एक आदमी है, अबू लाब नूं फसरीन ने लिखे है अबू जाल भी, यानी जेड़े वड्डे वड्डे सन ना, इन्हां ने एक मीटिंग बना ली, एक प्रोपेगंडा मेरे पैगंबर दे बारे कीता है। आंदे ने है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा माज अल्लाह ए अब तरो इन्ना मुहम्मद कद बो तेरा, मुहम्मद ते बेनसला माज अल्लाह हो गया। एदी ते औलाद रोहा, एदी ते जड़ी नोरीना औलाद इनू छड़ के चली गई है, फौत हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर सलाम परेशान ने, अल्लाह फरमांदे ने सोने परेशान ना हो, इन्ना
आतना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन शान अकवल अबतर। ए मेरे महबूब जी जेड़े तेरा नाम मिटाना चाहते ने मैं इना दे नामो निशान मिटा देवांगा वरफाना लगा जिक्र दरवाजे बंद कर। ए मेरे महबूब पैगंबर असा तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कर छड़िया है। ए मेरे महबूब जी इन्हां दा नामो निशान नहीं रवेगा कियामत तक बल्कि जन्नत अंदर तेरे गवांड दी तवक्को उम्मीद आसां लाके तेरे उम्मती बैठे होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत अंदर अल्लाह ने ना तीन चीजा बयान की दिया कि नहीं है सूरत अंदर तीन चीजा। पहला इनामे मुस्तफा सल्लल्लाहु इनामे मुस्तफा। नंबर दो प्रोग्रामे मुस्तफा। ते तीसरा अंजामे दुश्मना ने मुस्तफा। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने ना तीन चीजा इसके अंदर बयान फरमाइया ने। आइए जरा गौर फरमाना। पहली चीज इन्ना आतैना कल कौसर। ए मेरे महबूबा असा तुहानू हौज़े कौसर अता फरमा दिता है। एदा मानी खैरे कसीर। खैरे कसीर यानी अल्लाह ने तुहानू वाफर उम्मत अता कर दी है। मुस्लिम अंदर रवायत आउंदी है मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने। आइए पहले एक हदीस सुनिए। आप फरमांदे ने इन्ना लिकुल नबीयन हौज़न व इन्नहुम यतबाहौना अय्युहुम अक्सरु वारदतन व इन्नी अर्जु अन अकूना वारदतन। मेरे आका फरमांदे ने कयामत दे दिन अल्लाह हर नबी नु एक हौज़ अता फरमाएगा। हर नबी दा हौज होएगा। ए नबी इब्राहिम दा ए मूसा कलीम दा ए नूह नजीउल्लाह दा ए जनाब ईसा रूहुल्लाह दा ए हौज मुहम्मद रसूलुल्लाह दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि पहले नबी जेड़े अपनी अपनी नबूवत लैके आए ते अगले नबी दे आउन तो पहला जेड़ियां उम्मतां फौत हो गई उन्हां अपने वक्त दे नबी दी गल मन्नी है। रब ने जन्नत उन्होंने ही देनी है। मेरे आका फरमाते ने हर नबी का हौज होएगा। हर नबी ये समझेगा मेरी उम्मत ज्यादा है मेरी उम्मत ज्यादा है। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह दे नबियां दे विचो कुछ ऐसे नबी होणगे जिहदे नाल 10 बंदे किसे नाल 100 बंदा किसे नाल 200 बंदा किसे नाल 1000 बंदा। ऐसे भी रब दे नबी होणगे जिन्ना नाल एक कल्ला बंदा उम्मती होएगा। ऐसे भी रब दे नबी होणगे जिहड़े अकेले होणगे इन्हां दी किसे ने दुनिया ते गल नहीं मन्नी होएगी। ते मेरे आका फरमांदे ने मैं अपने हौस ते होवांगा इंज मैं वेखांगा ते बहुत ज्यादा लोग मैनूं नजर आउंगे। मैं गवांगा जिब्रील है कौन ने क्या ए मेरी उम्मत है। ते मेरे आका ने सलाम फरमांदे ने जिब्रील कवेगा नहीं सोनिया ए हजरत मूसा दी उम्मत है बहुत ज्यादा उम्मत नबी मूसा अली सलाम दी। ते जिब्रील कहणगे सोनिया जरा इधर दे वेखना मेरे आका नजर मारनगे ते उफक भरिया नजर आएगा बहुत ज्यादा उम्मत होएगी बड़े लोग होंगे। ते मेरे आका अली सलाम नू जिब्रील कहणगे सोनिया ए तुहाडी उम्मत। अल्लाह सानू अपने नबी दा पक्का सच्चा उम्मती बना दे। ए ना होए हौज़े कौसर ते जाइए ते नबी मुंह मोड़ लैन अल्लाह ऐसा उम्मती ना बना। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने
अल्लाह जुलजलाल ने मैनू खैर कसीर यानी उम्मत बहुत ज्यादा अता कर दी है। और मेरे पाक पैगंबर सलातो वसलाम फरमांदे ने अल्लाह ने मेरे नाम वादा कीता है, मेरे महबूब सोने तेरी उम्मत का 70,000 बंदा बगैर हिसाब मैं अपनी जन्नत विच दाखिल कर देवांगा। ते मैं कहांगा अल्लाह उम्मत बहुती है बंदे थोड़े ने। अल्लाह फरमांगे सोनिया फिर गल सुन ले, हर 1,000 ना मजीद 70,000 और शामिल कर ले। अल्लाह साडे अमल उंज दे नहीं पर तेरी रहमत तो ना उम्मीद नहीं हो। अल्लाह सानू उन्हां लोगों के अंदर शामिल फरमा लै जिन्हां नू तो बगैर हिसाबो जन्नत अता करेगा, बात दूर ना निकल जाए। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने बहुत ज्यादा उम्मत अता कर दी दी है। अल्लाह अकबर, पहली बार सी की सी इनामे मुस्तफा अल्लाह ने हौज़े कौसर अपने पैगंबर नू अता कीता। सही बुखारी अंदर रवायत आउंदी है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सब कौर रज़ी अल्लाहु ताला हो, मेरे पाक पैगंबर सलाम दा परवाना बयान कर दे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हौजी मसीरा तो शहरन मेआ तो अबिया माऊ अबिया सो मिनल लबानी वरी हो अतियाब मिनल मिसगी वकी जानू कनु जो मिसमा व मन शरबा मिना फला यजमा उबादाऊ आबादार। मेरे ते तुहाडे पैगंबर सलाम फरमांदे ने आप फरमांदे ने अल्लाह ने जेड़ा मैनू हौज़े कौसर यानी हौज अता करना, मेरे महबूब फरमांदे ने एक महीने दी मुसाफत बंदा चलदा रवे इतना लंबा हौज़े कौसर अल्लाह मैं मुहम्मद नू अता करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा मेरा हौज़े कौसर होएगा एदा पानी दूध नालों चिट्टा होएगा, दूध नालों चिट्टा होएगा ते एदा एदी खुशबू कस्तूरी नालों ज्यादा होएगी। ते मेरे आका फरमांदे ने हौज़े कौसर दे जड़े बर्तन जड़े प्यालिया विच पानी पिलाया जाएगा इन्हां दी तादाद आसमान दे सितारियां जितनी है यानी इतने प्याले हौज़े कौसर दे होणगे। ते मेरे आका फरमांदे ने ओ गल सुन लवो, मन शरीबा मन शरीबा जिस बंदे ने मैं मुहम्मद दे हदों पानी हौज़े कौसर दा पी लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हौज़े कौसर दा पानी पी लिया मेरे आका फरमांदे ने फला यज़मऊ बादऊ अबदा। आका फरमांदे ने जिन्हें हौज़े कौसर दा पानी पी लिया फिर ओनू कदी भी प्यास नहीं लगेगी। की माना कि क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होएगा, क़यामत दा दिन बड़ा सख्त होएगा, प्यास बंदियां नू लगेगी। ते मेरे आका फरमांदे ने फैसले तक यानी जन्नत जहन्नम दे फैसले तक अल्लाह जुल जलाल वली कराम उस बंदे नू प्यास ही नहीं लगन देंगे जिन्हें मेरे हौज़े कौसर दा पानी पी लिया। और शायर ने ना बड़ी प्यारी गल की थी, आंदा हौज मेरा है इन्ना लम्मा जिमें चले महीना कोई चारे पासे इको जिया बहुत फराखी होई दुद्धों चिट्टा पानी उसदा दुद्धों चिट्टा पानी उसदा खू खुशबू वद कसदूरी पांडे जिमें आसमानी तारे नेमत होई पूरी। ए हदीसे मुस्तफा दा तर्जमा ए तासीर उस पानी अंदर एक वारी जो पीवे ए तसीर उस पानी अंदर एक वारी जो पीवे
हुकम अल्लाह दी हशर तमामी है कदी प्यास ना दी वे। ते अगली हदीस का तर्जमा मैं पेश करा। फरमांदे ने टकाना उस दा मिंबर नबवी, जड़ा हो गए कौसर होना है ना, मेरे महबूब पैगंबर अली सलाम ने फरमाया मा बैना बैदी व मिंबरी रौजा तुम मेरे आजिल जन्ना व मिंबरी अलैयल हौज। मेरे आका फरमाते ने मेरे रोजे ते मेरे मिंबर दे दरमियान जड़ी जगह रब दी जन्नत दा टुकड़ा, ते कयामत दे दिन मेरा मिंबर मेरे हौज ते होएगा। किदे होएगा? मेरे हौज ते होएगा। पता लगा हौजे कौसर मदीने विच होना है। किथे? मदीने में हौजे कौसर होना है। अल्लाह अकबर कबीरा टकाना उस दा मिंबर नबवी है अंदर शहर मदीने। पींदियां पींदियां हद नबी जो ठंड पवेगी सीने। दुआ करो सा अल्लाह अपने नबी दे दौजे कौसर नसीब कर मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमांदे ने आप फरमांदे ने मा उ अशद बयाज मिन लबन। दूसरी हदीस मेरे आका दी है, आप फरमांदे ने ए दूध नालों ज्यादा सफेद होएगा वह अहला मिन अल असली। आप फरमांदे ने शहद नालों ज्यादा मीठा हौजे कौसर दा पानी होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज एक और नबी पाक दा फरमान सुनिए मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने मेराज दी रात मैं गया ना सहीह बुखारी अंदर एंज जन्नत दी सैर मैं कर रहा भई नमा आना असीरो फिल जन्नत इसा आना बेनहर नहा फताओ कुबाब मेरे महबूब अली सलाम फरमांदे ने मेरा दी रात इंज मैं चलता जा रहा ते जदू जन्नत अंदर मैं एक नहर ते पहुंचया ना उस नहर नू मैं वेख्या ओदे किनारे खौल दार मोतियां दे बने हुए ने मोतियां दे उहदे किनारे ने। मैं नहर जिहड़ी वेखी है मोतियां दे उहदे किनारे बने हुए ने खूबसूरत मोतियां दे ते मैं कहिंदा जिबरील है की है ते जिबरील आंदे ने हाज़ल कौसरुल्लज़ी आता कर रब्बुका। ऐ सोनिया महबूबा ए नहरे कौसर जिहड़ी तुहाडे रब ने तुहानू अता कर दिती है ए नहरे कौसर जिहड़ी कयामत दे दिन अल्लाह तुहानू अता करेगा। ते मेरे आका फरमांदे ने दी मिट्टी कस्तूरी है हौज़े कौसर दी मिट्टी कस्तूरी है इस हौज़ दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा दिल करदा मैं तैनू ज्यादा तो ज्यादा नबी पाक दे फरमान सुनावा। और ए हौज़े कौसर दा पानी आएगा कित्थों? ए जिहड़ा हौज़ है ए भरिया किवें जाएगा? ते उमदियां नू मेरा महबूब पिलाएगा? आइए मुस्तफा दा फरमान सुनिए। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने या गुतो फी है मी ज़बानी यू मुद्दा या मुद्दा ने ही में नल जन्नती आहद हुमा मिन साहबिन वल आखर मिन वारदिन। आओ फरमांदे ने हौज़े कौसर जिहड़ा हौज़े नाम एदे अंदर जन्नत दे विचों दो परनाले आउणगे। जन्नत दे विचों दो परनाले, एक सोने दा होएगा ते एक चांदी दा होएगा।
सोने ते चांदी दे दो परनाले हौज कौसर दे विचों यानी जन्नत विचों हौज दे अंदर पानी सुटदे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए लोगों अगे चलिए मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो जामे तिरमिज़ी दी रवायत है एक दिन ना मेरे महबूब पैगंबर कोल बह गए ते प्यार सी ना मुहब्बत सी अनस ने मेरे पैगंबर की खिदमत भी बड़ी की थी है। मेरे पैगंबर दे करीब होके बह गए ते अर्ज़ा करदे ने अल्लाह दे नबी जी ऐ यश वाली यौमल कियामा ए महबूब सोनिया कियामत दे दिन अनस वास्ते रब दे दरबार अंदर सिफारिशी कर दे आ जे। सोनिया बंदा आख ही लैंदा ना जिदे नाल ताल्लुक होए प्यार होए यार मेरा यह काम ही कर दे ते सोने यार रब को मेरी सिफारिश दे करे आजे ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने अनस ठीक है मैं कर देवांगा ते अल्लाह दे नबी मैं तुहानू कियामत दे दिन किथे याद करवावां किथे तुहानू लब्बा कि महबूबा मेरी सिफारिश करो ते मेरे आका अली सलाम ने तीन जगह दसियां किनिया तीन जगह जामे तिरमिज़ी दी रवायत है। मेरे आका फरमांदे ने ऐना अतलुबो का अनस आंदे ने सोनिया तुहानू किथे तलाश करा मेरे आका फरमांदे ने ओ तो लोबनी अव्वला माता तो लोबनी अलसिरात आ फरमांदे ने कियामत दे दिन सब तो पहला मैनू पुल सिरात ते तलाश करी। पुल सिरात जेड़ा है क्रॉस करके जन्नत विच जाना है क्रॉस करके जहन्नम ते रब ने रखे है इनू जिन्हें क्रॉस करना है उन्हें जन्नत विच ते दुआ करो रब सानू लै जाए पल्ले साडे शह कोई नहीं अमर साडे है कोई नहीं जाना ते उहदी रहमत ना कवो इंशाअल्लाह। सोनिया किथे लब्बा फरमाया पुल सिरात दे इथों एक ये भी गल समझ आउंदी है कि मेरे महबूब नू अपनी उम्मत ना प्यार किन्ना पुल सिरात ते मेरे आका दुआवां करदे होणगे या अल्लाह मेरी उम्मत नू लगा दे सोनिया मेरी उम्मत नू बचा लै। इसलिए तो मुस्तफा ने कहा ना सब तो पहला किधे होवांगा बोलो यार किधे पुल सिरात ते ते हजरत अनस आंदे ने फा इल्लम अलके का अल सिरात सोनिया जे पुल सिरात दे तुसी मिलो ही ना ते मेरे आका फरमांदे ने इंदल मीज़ान अनस फिर तराजू जिते तुलिया जांदा होएगा उथे आ जाई ते सोनिया फा इल्लम अलकी का इंदल मीज़ान सोनिया जे तुसी तराजू कोल भी ना लबो ते मेरे आका फरमांदे ने फत लोबनी इंदल हौस फिर इंज करी चुप करके सीधा मैं मुहम्मद हौस दे आ जाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाल मेरे आका फरमांदे ने फा इन्नी ला उखदियो हाजी सलासिल मवादना मेरे आका फरमांदे ने इना तिना जगह दे इलावा कियामत दे दिन मैं किते नहीं होवांगा। पता लगा दुनिया ते ते दूर दी गल है मुस्तफा जे पुल सिरात ने ते तराजू दे कोल उस मसले दी गल समझो जे पुल सिरात ने ते तराजू दे कोल नहीं जे नबी तराजू कोल नहीं लब्बे ते किथे लब्बणगे हौज़े कौसर ते ते मेरे पैगंबर ने नाल ए भी दस दिता के इना तिना जगह ते मैनू लब्बी जे लब्बणे ही ते अल्लाह अकबर कबीरा। आइए लोग जरा अगे चलिए मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शायर ने बड़ी प्यारी गल कीती है आंदा सब तो पहले पुल सिरातों लंघन लोकी सारे सब तो पहले पुल सिरातों लंघन लोकी सारे विच तराजू तुलनगे फिर अमल बंदे दे हौले बारे
دے اس دے ظاہر ہو سیئے کوثر حوض پیارا ساقی اس دا سرور سونا ساقی اس دا سرور سونا تے نال صدیق پیارا حوض کوثر تے صدیق بھی میرے نبی دے نال ہوئے گا سونے اے آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا تیرا مشن مٹ جائے گا میں تینوں غلامی جدے دیواں گا جنہاں ابو بکر عمر عثمان علی کے آ جاندا اے رضی اللہ تعالی عنہم سونے کیویں تیرا نام مٹان گے کیویں تیرا مشن ختم کرن گے تیرا مشن قیامت تک جاری رہے گا وارفانا لاکا ذکر اگے اے میرے محبوب جی انہاں دا نام ختم ہو جائے گا میں تانوں گل نہ سناواں سونے انہاں دا نام مک جائے گا تیرا نام میں زندہ رکھاں گا بندے دا نکاح ہوندا ہے جناب او دے اندر خطبے اندر میرے مصطفیٰ تے درود وی پڑھیا جاندا ہے اے تو پیچھے نہ جائیے بچہ پیدا ہویا ایک کان اندر مولوی صاحب نے اذان کیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اقامت کی نام میرے مصطفیٰ دا سونے آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا تے تیرا نام لیندا محمد رسول اللہ میرے محبوب جی تیرا نام اسا زندہ رکھے آئے اے میرے محبوب سونے اے وضو کر دا وضو کر کے بعد اندر اے میرے محبوب پیغمبر اے کلمہ پڑھ دا شہد اللہ الہ الا اللہ و شہد ان محمد رسول اللہ سونے تیرے نام نو اسا زندہ رکھے اے میرے محبوب جی اینج سمجھو اذان اذان ہی نہیں جیدے وچ تواڈا نام نہیں سونے او کلمہ کلمہ ہی نہیں جیدے وچ تیرا نام نہیں سونے او نکاح جائز ہی نہیں جیدے وچ تیرا نام نہیں اے میرے محبوب جی او نماز بھی جائز نہیں او نماز بھی قبول نہیں جیدے وچ تواڈا نام نہیں اے میرے نبی جی بندہ مر جائے جنازے وچ جنی دیر تک تیرا نام نہ لوے دا جنازہ بھی قبول نہیں میرے محبوب جی اے تینوں آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا قبر وچ سوال ہون گے منکر نکیر آ کے کہن گے من رب کا من نبی کا سونیا ورفانا لکا ذکر اے میرے محبوب جی اساں تواڈے ذکر نو بلند کر چھڈیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اپنے حوض کوثر تے ہوواں گا پہلی بات چر لئیے نا انعام مصطفیٰ اللہ نے اپنے پیغمبر نو انعام حوض کوثر عطا کیتا ہے امت زیادہ اپنے نبی نو عطا کی دی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے حوض کوثر تے ہوواں گا کیڑے بد نصیب لوگ نے جنہاں نو حوض کوثر تو دور سٹ دیتا جائے گا حوض کوثر دا جنہاں نو پانی نہیں ملے گا آئیے میرے محبوب پیغمبر دے فرامین سنیے مسلم دی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نو فرمان دے نے آپ فرمان دے نے انی لا اسد الناس انو کما یسد الرجل ابل الناس ان حوزیے قالو یا رسول اللہ اتعرفنا یوم اذن قال نعم لکم سیما لیس دل احد من الامم تاریدون علی غر محجلی میرے محبوب علی سلام فرمان دے نے قیامت دے دل میرے حوض دو جنے لوگاں نو میرے حوض دو دور کیتا جائے گا آپ فرمان دے نے جنے کسے بندے دا اونٹ
फुट दूसरे की पैली में दूसरे के पानी से दूसरे के हाउस से टुर जाए तो बंदा उन्हों तो पीछे हटाता है। मेरे महबूब फरमाते ने इंज मैं इन्हों अपने हाउस तो हटा देवगा। सहाबर करते ने सोने क्यामत के दिन सानू पहचानो गे कि मेरे आका फरमाते ने अल्लाह सुल जलाल वली कराम ने मेरी उम्मत की एक ऐसी निशानी रखी है जिड़ी किसी उम्मत न मिली नहीं, किसी उम्मत की निशानी नहीं। अल्लाह दे महबूब जी केड़ी फरमाया गुर्रम मुहज्जलीन मेरी उम्मत दे वुज़ू वाले आज़ाद चमकदे होंगे। पता लगा जड़ा वुज़ू करदा नहीं बेनमाज़ उन्हूं नबी दे हौज दा पानी मिलना। फैसला तुहाडे ते वे, मुहब्बत साड़ी बड़ी प्यार बड़ा असा गया सोने प्यार तेरे ना बड़ा पर तेरी गल नहीं मननी। ये बड़ा औखा काम ही साढ़े को नहीं मनी जाती। नमाज पढ़ी है तो मैं मुसलमान हाँ, सारिया हदीसा मैनु जबानी याद ने, इलाके च मेरे नालों वड्डा मुफ्ती कोई नहीं, तो जे नमाज पढ़ा तो मैनू जनाब बंदा कि आखना। नमाज नहीं मैं पढ़ता है। कल मैं एक क्लिप देना सा एक पीर साहब को फड़िया उन्हें, पीर साहब किनिया नमाजा पढ़ते, उन्हें आख्या नमाज की गल करना मैं चौबी घंटे नमाजा पढ़ना है, तू पंजा की गल करना ना मैं एक पढ़ना ना मैं दो पढ़ना ना चार ना पांच मैं चौबी घंटे नमाज पढ़ना। उन्हें क्या वो एंकर कह लगा जनाब नबी पाक ने अपनी उम्मत से अल्लाह ने नबी की उम्मत से पांच नमाजा फर्ज कीतियां किनिया एक पांच पढ़ दे कि नहीं। उन्हें आख्या इनू छड़ दे तू मैं चौबी घंटे नमाज पढ़ना। साढ़े अंदर भी इंज के बंदे आए हैं जेडे आते हैं जी मैं तो हर वेले नमाज च रहना, तो दूजी गल मैं नमाजियों नालों उंज ही चंगा है। कई इंज भी आते जे कई इस तरह आते ने भाई जी मैं नमाजियों नालों इंज ही चंगा। वह पता क्यों? मिसाल के तौर पर तुहाड़ी गल करिए तुसीं ते बड़े चंगे लोग हो माशाला। मैं अपनी करना मैं वहां मौलवी साहब दाढ़ी रखी है, मैं कोई गलत काम करना तो लोग की कहेंगे मौलवी जी तुसी नमाजी भी हो जुमा भी पढ़ाते हो तकरीरां भी करते हो नमाज भी पढ़ाते हो तो तुहाडे अंदर ये ऐब है तो तुहाडे नालों असी बेनमाज ही चंगे हैं। ये जांदे ने ना वह दाढ़ियां रख के टोके फेरते ने बाजारां विच हाजी साहब भी अपने आप नूं कहलांदे ने ते इहदे नालों मैं उंजी चंगा। ये गल ना किया करो। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਯਾ ਕਰ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨਾ, ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ दूजा नमाजिया बुरा आखना। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अपनी उम्मत को पहचानांगा वुजू वाले असावा तो ते पता लगा जेड़ा वुजू नहीं करता वुजू तो नमाज वास्ते करना करना सुना उंज केड़ा साडे विचो एडा हाजी जेड़ा हर वेले बावजू रहिंदा होवे। ऐसे लोग है भी ने रब तौफीक अता फरमाए। मेरे आका फरमांदे ने बेनमाज बंदा मेरे हौज दा पानी उहनू नसीब नहीं होएगा। अल्लाह मैनू तैनू महफूज फरमाए। आइए एक और मैं नबी पाक दा फरमान सुनावा। मेरे आका फरमांदे ने मन तवला शारबाऊ फाऊ के बाबे अरबाती अशिया। आ फरमांदे ने जेड़ा बंदा मुछा वड़ियां रखद दाड़ी रगड़ के मनाई है तो मुछा मूह में पैदा ने है। मेरे पैगंबर ने फरमाया इनू चार चीजा दा दाद मिलेगा। किनिया? चार चीजा। हूं नहीं मैं दाड़ी की गल करनी क्यों? तुम माशाला बड़े पक्के हो गए तेरी मननी हां नहीं है ना मनो ना मनो। मुस्तफा जी सलातो सलाम ने फरमाया बंदा कबर च जाएगा है, कबर च जाएगा तो जरा गुसल का तरीका ना अपने उलामा को पुछो ये अंदर दाड़ी का खलाल है कि नहीं भाई? वह बोलो तो सही है। रखनी तो तुसा घर दिया मर्जी ने ना नबी पाक की मर्जी ना रखनी है ना मेरी ना रखनी है। दाड़ी का खलाल है कि नहीं? तो जे मरदा गुसल भी तेन सुनत के मुताबिक ना मिले तो अगे जाके की बनना? सोचो पता नहीं कि बाहर निकल जानी है।
मैं भी सोचा ते तुसी भी, जे मरदिया सुन्नत दे मुताबक तेनू गुसल भी ना लभे ते अगे असा जाके की करना है, की जवाब देना है। बहरहाल मेरे महबूब ने फरमाया चार चीजा वह मुछा रखो लेकिन ओनिया कु जिहड़ियां पानी दे विच ना पैन, मूँह में ना पैन, रोटी खांदे तो तंग ना करन। आप फरमाते ने पहली गल ये जदों कबर में जाएगा मुनकर नकीर बड़ी गजबनाक हालत अंदर ये कोल आउंगे, ते नंबर दो इनू कबर का अजाब दिता जाएगा, नंबर तीन क्यामत के दिन मैं मुहम्मद इनू सिफारिश नहीं मिलेगी, ते नंबर चार क्यामत के दिन अल्लाह इनू मेरे हौज का पानी भी नहीं अता करेगा। अगे चलिए, मेरे दे तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी दी रवायत है हजरत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाहु तआला नु फरमांदे ने ओई ज़ुहा बिललाहि मिन उमरायन यकूनून मिन बादी। आप फरमांदे ने मैं अल्लाह दी पनाह दे अंदर तुहानू देना मेरे तो बाद जेड़े हुक्मरान आने वाले ने फमन खाशिया अबवाबहुम फसद्दकहुम फी किज़्बिहिम वआनहुम अला ज़ुल्मिहिम। मेरे आका फरमांदे ने ऐसे लोग होणगे जेड़े हुक्मराना दी पुश्त बनाई करनगे जिवें असीं करने आ। पिछले दिन अंदर ना पिछले हफ्ते जदों नवाज शरीफ साहब ने आना सी, दो दिन पहला मेरी मसीते नवाज शरीफ ते इमरान खान लड़ पे, है दो बंदे सन, एक इमरान खान ते दूजा नवाज शरीफ। अल्लाह शाह दे इशा दी नमाज दा टाइम दो ओ सन ते तीजा मैं सा, वह दोवें ही लड़ पे। एक कहे मैं इमरान खान दे बारे गल नहीं सुननी, दूजा कहे मैं नवाज शरीफ की गल नहीं सुन। एक ने एक दे जरा चढ़ाई की, उन्हें आख्या तू इत्थे नमाज ही ना पढ़न आया कर, वह टुर गया। पिछे असीं दो रह गए, मैं उन्होंने कहा मैं मैंने यह दस कि तू बंदा भी नसाया मसीतों तो इन्हें दिता सानू की है, है? और जिम्मे असी इन्हों की गल करिए कहदी, लेकिन मैं एक गल जरूर कहांगा इस हदीस के मुताबिक फलस्तीन अंदर जुलम हो रहा, ज्यादतियां हो रही ने, लेकिन असी अपने हुक्मराना के नारे मारने कसी कभी असा इन जालमान को पूछा कि उन्होंने मुसलूम मुसलमाना की हमायत करो, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं करते उन्हां दी हमायत। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा इन्हां हुक्मराना दे झूठ नूं सच बनांदा है तो वेख लो अपनियां अदालतां, झूठे सच्चे ने ते सच्चे झूठे ने, पता ही नहीं की है। गरीब गरीब अगर इहदे ते छोटा जिहा परचा हो जाए ना 13-65 दा ही ते 15 साल इह अदालतां च रुलदा, रुलदा कि नहीं रुलदा, ते वड्डियां नूं पुछण वाले कोई नहीं। मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा इन्हां दे झूठां नूं सच करके दिखांदा ना, उहदा मैं मुहम्मद नाल ताल्लुक ही कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस सुन के अपने पल्ले बन लो, ना लड़ो इन्हां दे बारे, कभी किसी की गैरत जागी है कि मुस्तफा दे तुहीन होई है मेरे पैगंबर की, कभी किसी की गैरत जागी है कि सिद्दीको उमर की तुहीन लोग कर रहे हैं, असी इन्हां दे पिछे लड़ रहे हैं। मैं किसे दे नाल मेरा कोई तल्लक नहीं, लेकिन मैं हदीस आई है तो मैं गल सुना रहा जो साडे इस मौजूदा दौर अंदर हालात गुजर रहे ने। आप फरमांदे ने फमन गाशिया अबवा बाहुम फसद्दकहुम फी किज़्बिहिम वआनहुम अला ज़ुल्मिहिम। इन्हां दे ज़ुल्म दे नाल इन्हां दे मददगार बनते ने, इन्हां दा साथ देंदे ने। सोहणिया की होएगा, फरमाया फलैसा मिन्नी, इन्हां दा मैं मुहम्मद नाल ताल्लुकी कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला तो मिनहु वला यारिदु अलैया अलहौज। मेरे आका फरमांदे ने क़यामत वाले दिन अल्लाह इन्हां नूं मेरे हौज दे करीब ही नहीं आन देवेगा। अल्लाह मैनू तेनूं महफूज फरमाए। पहली चीज सी इनामे मुस्तफा, नंबर दो प्रोग्रामे मुस्तफा, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। सुनिया एडे इनाम तेनूं दित्ते ने, तो नमाज भी पढ़िया कर, की करिया कर, पता लगा रब जी तू नेमता देंदा तो अपने नबी नू भी कहिंदा सोनिया नेमता खा के इस्तेमाल करके सोनिया नमाज मेरी पढ़नी है, कि मेरी पढ़नी है, मेरे सामने झुकनी, वन हर दे नाल कुर्बानी कर, ये काम करना तेरा काम है। इन्ना शान आका हुवल अबतर, सोनिया जेड़े तेरिया मुखालफत करते हैं मैं इन्हों का नामो निशान ही मिटा देव।
अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैंने तुहानू सही माने अंदर किताबो सुन्नत समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए।